आलिया भट्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मंझी हुई अदाकाराओं में गिनी जाती है। उड़ता पंजाब, राजी और गंगूबाई काठियावाड़ी तक एक्ट्रेस बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह अपना हुनर दिखा चुकी है। छोटे से करियर में सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाली आलिया भट्ट 15 मार्च को अपना 31वां जन्मदिन मना रही है। इस खास दिन पर जानते हैं उनसे जुड़े कुछ खास अनसुने किस्से। आलिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखा था, ये बात जग जाहिर है, लेकिन ये फिल्म पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। IMDb के अनुसार आलिया के साथ लगभग 500 लड़कियों ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट की कास्टिंग फाइनल करने से पहले उनके सामने शर्त रखी गई थी कि फिल्म के लिए उन्हें 16 किलो वजन घटाना होगा, जिसे एक्ट्रेस ने मान लिया था और कर भी दिखाया था। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर आलिया को उम्मीद नहीं थी कि वो गंगूबाई का आइकॉनिक किरदार निभा सकती है, लेकिन संजय लीला भंसाली ने उन्हें चुन लिया था। इंशाल्लाह की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली को आलिया भट्ट की आंखें पसंद आ गई और उन्होंने एक्ट्रेस को सफेद साड़ी और लाल बिंदी लगाकर आने के लिए कहा। संजय लीला भंसाली की ये बात एक्ट्रेस को अटपटी लगी, क्योंकि इंशाल्लाह में उनका इस लुक से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये बात एक्ट्रेस को पता नहीं थी कि संजय लीला भंसाली गुपचुप उनका लुक टेस्ट ले रहे थे। जब आलिया तैयार होकर आई तो एक्ट्रेस उन्हें अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट लगी और उनको ये फिल्म ऑफर कर दी। एक्ट्रेस की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी की बात करें तो एक बार आलिया सिंगापुर में एयरपोर्ट पर थी, तभी कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। एक्ट्रेस को लगा कि शायद ये उनके फैंस हैं जो उनसे मिलने पहुंचे हैं। हालांकि आलिया को बाद में पता चला कि वो इन लोगों के बीच उन पर बने मीम्स के कारण पॉपुलर है। बताते कि कॉफी विद करण के रैपिड फायर राउंड में उनसे भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था, जिसका जवाब आलिया ने पृथ्वीराज चौहान दिया था। उस समय भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर आलिया का खूब मजाक उड़ा था। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए भैया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।